बसमिल्लर मेरे अजीज़ हमवनोंकुम अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है अज़ीज़ हम वतनों में सदर पाकिस्तान और अपने वादे के मुताबिक जनाब इफ्तार महमद चौधरी साहब समेत तमाम मजूल जज साहबान की उनके उदों पर बहाली का ऐलान करता हूँ वेलकम टू सियासत मना हमने आपको ये ब्रीफली दिखाने की कोशिश करी कि ये फुल सर्कल किस तरह हुआ लोयस मूवमेंट के बाद एक तहरीक चली जिसके अंदर एक हिस्से तक पी एम पी एम यूसफ रज़ा गिलानी साहब भी हिस्सा थे उसके उस मूवमेंट के अंदर भी और बेनज़ीर भुटो साहिबा भी उस मूवमेंट का हिस्सा थी उन्होंने इफ्तार चौधरी साहब को सपोर्ट भी किया था और फिर फुल सर्कल कुछ इस तरह के हमारे पिछले महीने में और फिर कल पी एम साहब को कन्टेम्ट का नोटिस दिया गया जनवरी टेंथ को उनको ये कहा गया कि वो शायद अपने ओत की खिलाफ खिलाफवर्जी कर रहे हैं प्राइम ऑफ जनवरी नाइनटीथ को ये कहा गया कि वो कंटेम्प्ट के चार्जेस पे उनको बुलाया गया वो ख़ुद पेश हुए और उसके बाद आ, कल पीएम साहब को चार्ज कर दिया गया विद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो फिर दे हैव बिन डिलेड और प्रोसीडिंग्स थर्टीन फरवरी तक फिर जाके वो दे माई डिसाइड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक क्रिमिनल हैं एक मुजरें तो इन्हें अदालत के ज़ुमर में आते हैं और उन्होंने एक जुर्म किया है अंडर आर लॉज़ एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन आप लॉयर्स से अगर पूछें कि क्या ये ज़रूरत है क्या ये डायरेक्शन जाना सही है क्या एन के तहत एक ख़त लिखना जिस खत की वजह से आप महज अपने आप को स्विट्जरलैंड के अंदर बदनाम करेंगे क्योंकि स्विस ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये खत लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको सदर के उदय से आप जब जद्दारी साहब को हटाएंगे तो ही हम प्रोसीिक्यूट करने की सोच सकते हैं और आप भी कीजिएगा जितना आप चाहें प्रोसीिक्यूट करना लेकिन इस खत की वजह से जिसको ना लिखने की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब को तोहही अदालत के ज़ुमरे में पाया गया है उसकी वजह से ये सारी प्रोसेस अभी भी हमारे एक सिविलियन प्राइम प्राइम मिनिस्टर हिम और हेट हिम सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिन्होंने उसी ऑर्डर पर साइन किया था जिसकी वजह से ये बहाल हुए थे ये पूरी तहरीक चल रही है लॉयर्स से अगर आप पूछें तो लॉयर्स मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनमें से एक जो सबसे पॉपुलर लीडर थे एतजाज़ एहसन साहब वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील हैं आसमा जिलानी सॉरी आसमा जहांगीर साहिबा जो हैं उनकी बहुत बसफर ये बात सामने आई है कि कोर्ट क्या कर रहा है उनको भी अब पॉलिटिकल बायस की वजह से लॉयर्स मूवमेंट में एक ग्रिफ्ट है जिसका जो एग्जांपल है वो 19 जनवरी को सामने आया है कि जब एक टीम ऑफ लॉयर्स जो कि पता नहीं कहाँ से असेंबल हुई उन्होंने बड़े नारे लगाए चौधरी साहब चौधरी इफ्तार साहब को एक सियासी शख्सियत नुमा चीज़ बनाते हुए उनके लिए नारे लगाए और कुछ इस तरह नारे लगाए कि चोरों का जो यार है गद्दार है गद्दार है हवाला दिया प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गलानी और वो जिसको यार कहा उनको वो जद्दारी साहब और इशारा चौधरी एहतजा एहसन के साथ भी था जिस जिन्होंने उस माहौल को रद्द करने की उस वक्त कोशिश करी आ, हमने अब जब इस पर कॉमेंट्री होती है एहतजा एहसन साहब पर भी इजहार ब्रहम हुआ कि भाई आप टॉक शोज़ में क्यों जाते हैं और फिर ये भी कहा गया कि हमारे सारी बातें जो हैं वो उल्टी सीधी सामने आती हैं ये जज साहिबान की तरफ से आया सरमत जलाल उस्मानी साहब ने ये भी कहा कि ये जो मीडिया वाले हैं ये हाफ एजुकेटेड हैं हम इनसे डायरेक्शन क्यों लेंगे और सरमत जलाल उस्मानी साहब सही कहते हैं लीगल मामला में हम हाफ़ एजुकेटेड हैं लेकिन ये लीगल तहरीक कब थी लॉयर्स मूवमेंट एक लीगल तहरीक तो नहीं एक पॉपुलस तहरीक थी आवाम के ज़ोर पे आवाम के ज़ोर बाज़ू सियासत के ज़ोर बाज़ू की सारे जजेस बहाल हुए थे उस वक्त तो कोई दफ़ा एक सौ बीस बटा चार कोई नहीं कह रहा था उस वक्त तो सिर्फ अवीम सेंटिमेंट्स थी और फिर ये पॉपुलश मेजर्स की वजह से ही तो जुडिशरी जो है वो आज़ाद हुई है और जुडिश्री ने भी पॉपुलश मेजर्स ही तो लिए कहाँ लिगैलिटीज़ के हमने बात की है तो अब जाके ये टेक्निकल होने की क्या ज़रूरत है कि जी दो सौ अड़तालीस 2 टू के तहत अगर इस है तो हम अगर ये कह रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम पूरी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें यह समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स वन सिक्सटी एट से लेके आगे तक उनकी ताकत है और उन्होंने अगर कह दिया है तो ख़त लिखना है चाहे उसकी वजह से आपकी महज आपकी बेज़ती हो या ना हो अब ये टेक्निकल डिबेट क्यों हो रही है जब जुडिशरी एक फैसला करती है कि अतिका तो ओडो साहिबा उनके ख्याल में वाहिद पाकिस्तानी है जो वाइन की बोतलें पाकिस्तान में लेके आती हैं और उनके खिलाफ एक सो मोटो नोटिस लिया जाता है जिसका पता नहीं क्या हुआ तो ये पॉपुलिस्ट होता है या लीगल मोटिव होता है जब जुडिशरी ये फैसला करती है कि चीनी की कीमतों की हदूद जो है वो मुकर करे और कैपिटलिज्म जो है उसको ज़रा भूल जाए तो ये पॉपुलिस्ट नजर होता है या नॉन पॉपुलिस्ट होता है और जब जुडिशरी बुलाती है तो सिविलियंस को बुलाती है हमारे यहाँ मिसिंग पर्सनस का केस को सिर्फ मिसिंग पर्सनस कहते हैं हम ये भूल जाते हैं कि मिसिंग पर्सनस किसकी वजह से मिसिंग हैं उनको किसने उठाया है क्या जुडिशरी ने कभी ये कोशिश की है कि हमारे खुफिया इदारों के सरबराहान को एक नोटिस इशू करे कि जी आप आइए और अगर वो ना आए तो इनके खिलाफ तो अदालत के ज़ुमें में कुछ प्रोसीडिंग्स चलाने की अगर हम कोशिश करें क्या यह जुडिशरी उतनी ही खालस है जितनी खालसिस हमारी जमूरियत है यह लाइन हसन निसार साहब की है ये बार बार रिपीट होती है हमारे मेजर टेलीविजन नेटवर्क पर रिपीट होती है हमारे साथ आज वो मेहमान है हसन निसार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग है सर आप मेरे ख्याल से आप इतफाक़ नहीं करेंगे आपको ये हुकूमत कुछ ज़्यादा ही नापसंद है लेकिन सर ये जो बर्क जो गिरती है तो फिर ये बेचारे हमारे ये जमहूरी हुकमरानों पर क्यों गिरती है देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे कोई भी हुकूमत पसंद या नापसंद नहीं है इनमें से किसी के साथ ना मेरी कोई ज़ाती दोस्ती है ना दुश्मनी है ना मोहब्बत है ना मुखासमत है हम तो मेरिट पे मैंने चंद दिन पहले मियाँ शाबाशी को बहुत पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता हूँ बहुत बुरी तरह करता हूँ लेकिन रिसेंटली इन्होंने जब वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन दी मुझे पता था कि कैसे कैसे प्रेशर्स हैं मैंने उसको अप्रिशिएट किया सो ये बात मुनासब नहीं है मैं ही वो आदमी हूँ जिसने कहा था कि यहाँ अगर किसी की बकरी गम हो जाए या किसी की भैंस का दूध कम हो जाए तो आसफ़ जरदारी साहब हरे का फेवरेट टारगेट है सो so, प्लीज़ पहली तो गुजारिश मेरी ये है दूसरी बात आपकी आपने आपकी सारे तमहदी कलम में आ, चंद बातें ऐसी हैं जिनके साथ मैं मुतफिक हूँ चंद ऐसी हैं जिनके साथ मैं आ, मेरे तहफात हैं पहली बात ये है कि जो आपने वो दिखाया है इनका बहाली का प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो ये पूरा मुल्क जानता है कि ये हुआ कैसे था पीपल्स पार्टी ने इस मामले में दूध तो दिया लेकिन मेंगने डाल के दूसरी बात यह है कि अगर इनको 100 परसेंट भी अगर आप क्रेडिट दें जुडिशरी की बहाली का तो ये मुनासिब नहीं है कि तो की जाए कि जुडिशरी इस एहसान के बदले बिल्कुल इंसाफ के कत्ल की कत्ल की सूरत में उतारेगी या उतारने की पाप से अगली बात इससे अगली सॉरी सर मैं मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा था कि देखें जिसने उनको उनके उदे वापस दिए उनके खिलाफ क्या हुआ नहीं, नहीं, मैं ये फुल सर्कल दिखाना चाह रहा था मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कह रहे थे मैं तो बता रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी तो इसका कतन कोई मतलब नहीं है मैंने बल्कि नवाज शरीफ के बारे में भी ये बात लिखी थी कि आप बार बार ये दोहराना बंद करें क्या आपने अदलिया बहाल कराई है हैदलियावाम ने बहाल कराई है किसी का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें एक बात दूसरी बात देखें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पे फर्द जुर्माए हो गई है अगर उन्हें अदालत में तलब किया गया है अगर वो दोबारा अदालत में तशरीफ़ लेके जाते हैं और कल जो भी फैसला आता है तो मैं दस बस्ता ये बात अर्ज करूँगा कि ये हमारी बदनसीबी है कि हम खुलफा राशिदीन के किस्से तो बहुत सुनाते हैं लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये एक नायाब बात है एक अजीब बात है वरना क्या प्रॉब्लम है भाई अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या अदालत समझे मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो कि ये तोहिन का इतकब किया है या आपने किया है अगर हमें बुलाया जा सकता है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को, को कोई लाल नहीं लगे बल्कि हकीकत ये है कि उन पर ज्यादा बोझ है बिल्कुल मैं अगर ले तो लाल से काम लूँ आप अगर लें तो हमें तो शायद थोड़ी बहुत माफी मिलनी चाहिए चीफ एग्जीटिव को नहीं चूंकि वो इस हमारी आइंदा नस्लों का रोल मॉडल है हमारा प्राइम मिनिस्टर है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और अगर उनको तलब किया गया है फर्द जोर मायद हो गई है कौन सा आसमान टूट पड़ा बिल्कुल ठीक सवाल ये सर और आपको बुलाने का है आपको वो जो जज साहब ने वो जो जज साहब ने जो बात की हाफ एजुकेटेड तो बहुत से मामला में खुद जज साहबान हाफ एजुकेटेड होते हैं जब इनका एसी खराब होता है तो इनकी एजुकेशन खत्म हो जाती है मकैनिक को बुलाते हैं जब गाड़ी खराब होती है मकैनिक को... कोई भी एजुकेटेड नहीं है कुर्रा एयर्स पर सिर्फ एक इंसान गुजरा है जो एजुकेटेड था बाकी हाफ एजुकेटेड ही होते हैं दूसरी बात यह है कि हमारे तौर पे उर्दू प्रेस का एक प्रॉब्लम है ये मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं मेरी फॉर्मल एजुकेशन इकनॉमिक्स की है मैं कोई एम उर्दू नहीं हूं लेकिन इसके बावजूद मैं इकोनॉमी पर लिखते हुए हजार दफा सोचता हूँ हमारे यहाँ आप जिससे जो भी पूछ लें आई एम प्रॉबली द ओनली वन मैंने कई दफ़ा लोगों को कहा कि यार आई डोंट क्वालिफाई ये मेरा मौजू नहीं है डिफेंस पे भी शुरू हो जाएंगे इकोनॉमी पे भी, भी बोलना शुरू कर देंगे ड्रोन आ रहे हैं क्यों पता वता होता नहीं आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा मैदान नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन या अपना आइन और ये और वो ये हम नहीं जानते इन मामला को अच्छा ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि ये फ़लाँ फलां मामला जो था वो एक पॉपुलर मूवमेंट थी वो अवाम के सेंटिमेंट थे और ये और वो लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि हम में से हर आदमी प्रटेंड करता है जैसे वो अकल कुल है जबकि बहुत से मौजूद ऐसे हैं जिन पे एक ग्रेसफुल आदमी को माजरत कर लेनी चाहिए लेकिन ये कहना शायद कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं था हाफ एजुकेटेड चूंकि यहाँ कोई एजुकेटेड नहीं को हाफ एजुकेटेड के, के, के हवाले से इसलिए कह रहा था सर, क्योंकि बातें तो जी, वो अवाम की जो रायआमा के अंदर जो चीजें पॉपुलर है वो आज भी वही है जो उस दिन थी जब ये लॉयर्स मूवमेंट पे लोग निकले थे आइन के दफा दो सौ अड़तालीस बटा दो के लिए तो नहीं निकले थे सर ये तो वही रोटी कपड़ा मकान और लोगों के हुआ आज जितने लोग हायर कोर्ट सुपीरियर जुडिशरी के सामने वेटिंग जस्टिस इंसाफ के इंतजार में खड़े हैं वो ज़्यादा हैं उससे जो 2007 में थे आज जितने लोग खड़े हुए हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए खड़े हुए हैं वो ज़्यादा हैं आज गायब लोग ज़्यादा हैं एक आमिर के ज़माने में भले गायब हुए थे लेकिन वो आज भी गायब हैं रिट छोटी सी हम इस्तेमाल कर लेते हैं है। मोटो की जो सबसे बड़ी रिट है द ग्रेट रिट है कि जी हमें ला दिखाइए ये लोग हैं कहाँ वो इस्तेमाल होते हुए हम देखते नहीं हैं पंद्रह मिनट तालीम होती है औसतन हमारे हुकूमती सरकारी स्कूलों में सर इसके अलावा हम चीनी का मैार हम लगाने की ज़रा कोशिश कर लेते हैं हम सु मोटो अगर लेते हैं तो अथिका ओडो वाले केस की जिसने हमने बात करी तो सर ये भी तो पॉपुलर चीज़ें हैं तो हमें अब पॉपुलर लोग जो जो पॉपुलर बातें करते थे उनके ऊपर अब कदगन लगा देनी चाहिए कि मियाँ आपको कानून का कुछ पता है नहीं है आप क्यों सवाल कर रहे हैं कि अगर हम वजीर अजम को बुलाते हैं असन साहब कभी किसी जनरल को बुलाया कि जी आपने जेनेसाइड की बंगाल में कभी किसी जनरल को बुलाया कि ये पाँचवीं बलोच में बलोचस्तान में रेजिस्टेंस हो रही है इनके लोग जा कहाँ रहे हैं ये मिसिंग पर्सन का जो पूरा केस टाइटल है वो है क्या ये हमारे सिविलियंस ही बचे हैं सर चाहे वो जैसे भी हैं मतलब हमने जितने भी बेवकूफ़ बन के वोट दिए हैं वोट तो हम ही ने दिए हैं मैंने तो पहले शुरू में यर्स अर्ज़ किया कि आपकी बहुत सी बातों के साथ मैं मुतफिक हूँ कुछ बातों के साथ जज्वी तौर पर मुतफिक हूँ और कुछ बातों के मामले में तहफ़ात हैं जिनमें से कुछ मैंने अर्ज़ कर दिए हैं बाकी आपका आपकी तमीद इतनी माशा लोडड थी कि हम इस बुढ़ापे में वो सारा कुछ याद रखना मुश्किल नहीं है अगर आप एक एक पूछते जाएं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में उसका जवाब अर्ज कर सकूं बाकी ये पैकेज है इस सारी सूरत हाल को हमारा सारा मीडिया और सारे अवाम जिस तरह देख रहे हैं वो अगर काश हमारी ट्रेडिशंस वही होती जिस तरह की हम बातें करते हैं वो इंसाफ की मिसालें देते हैं कि हज़रत उम्र ने यूँ किया और आका ने ये कहा जो कि कहा कि अगर मेरी बेटी भी मेरी फातिमा बीबी के बारे में उन्होंने फरमाया कि अगर वो भी होती तो मैं हाथ काटने की जरिए इस तरह की हम मिसालें देते हैं लेकिन हमारे जो करतूत हैं वो वैसे ही हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि फलां को नहीं बुलाया फलां को नहीं बुलाया फलां को नहीं बुलाया और अभी फलां फलां को नहीं बुलाया जा रहा हमारी कोई विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू आ जोडिशरी विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू दिस कंट्री हमारी रिवायात रोशन तो दूर की बात है ख़ासी शर्मनाक हैं लेकिन ये बिल्कुल यू विल है तो साथ वो सही, मुझे आप तारीख बताइएगा मंसूर एजाज बनाते हैं और फिर उसको ऑन करते हैं कि जी वो जब खुत डांस कर रही थी तो मैं उस था नहीं लेकिन कॉमेंट्री मुझसे करवाई थी मैं वाहिद अमेरिकन एक्सेंट वाला आदमी था ये दोस्तियां करते हैं तो इनके दोस्त जो है वो इनसे अपने आप को डिससोसिएट करते हैं और ये शायद इस्तेमाल होते हैं अकानियों के हाथ बिलफर्ज सर ये लिखते हैं एक आर्टिकल जिसके पहले हिस्से में वो कहते हैं कि मुझे हुसैन अकानी ने इस्तेमाल किया एक खुफिया मेमो भेजने के लिए मेमोरेंडम भेजने के लिए एक जनरल साहब के पास जो कि अमेरिकन है एक अमेरिकन शहरी ये दावा कर रहा है और उसके सेकंड चैप्टर में उसी आर्टिकल में कहता है ये आएस आई बड़ी अजीब है ये लोगों को मारती है ये दहशतगर्द है ये तालिबान के पैसे दे के ये तालिबान से लड़वाती है इसके अंदर सीक्रेट विंग है ये बहुत ही अजीब ऑर्गेनाइजेशन है हसन निसार साहब इनसे हल्फिया बयान लेने के लिए हम डटे हुए हैं लेकिन वो पहले हिस्से पे ये आईएसआई वाली बात सारी आप भूल जाएं वो उस हवाले से तो ये बड़े अजीब आदमी हैं इनको कोई क्रेडिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है वो पहले हिस्से पे जरा फोकस करें कि हुसैन अकानी के बारे में बिल्कुल सही कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है आप, आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की कमीशन भी बैठ गए देखें बात सुने यही वो मुल्क है जिसमें नून लीग की गवर्नमेंट में इश्तहार छपे थे अमेरिकन न्यूज में रोग आर्मी के ठीक है ये सियासतदानों की एक रिजेंटमेंट है बिल्कुल है अच्छा दूसरी तरफ जो मेमो का मामला है मैं ये समझता हूँ इसको ज़रूरत से ज़्यादा फोकस किया गया है वो किस तरह अब ये देखें कैसी अजीब बात है कि एक ऐसा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर किसी के सिग्नेचर्स नहीं हैं एक मरले के मकान की एक मरले की भी अगर आप वो, वो ख़रीदो फरोख्त करें तो उसकी रजिस्ट्री पे पता नहीं पचास जगह पे आपके थम इम्प्रेशन होते हैं सिग्नेचर्स होते हैं बल्दियतें होती हैं पता नहीं क्या क्या होता है तो ये एक अच्छा एक एक मेमो पे ये ये बहुत बड़ा एक ड्रामा है और ये बहुत एक मज़े का खेज बात है मेरे लिए एज अ ले मैन मैं तो नई आदमी हूँ मैं लेकिन सोचता हूँ कि एक मुल्क का अगर इस एक मुल्क का मुस्कबिल एक मुल्क की सालमियत अगर एक मैमो की मार है तो फिर अल्लाह ही है। और सर फिर आई एस पी आर डांट रहा है प्राइम मिनिस्टर कोसार साहब आई एस पी आर डांट रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये चलें बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान फौज ब्रिलियंट सब लेकिन हसन निसार साहब अदल तो अदल होता है ना जस्टिस इज ब्लाइंड जस्टिस अंधा होता है वो देखता है कि ना इंसाफी किधर हो रही है अब ये सैकड़ों लोग गायब हैं इनकी लाशें मिल रही हैं तो वकील साहब फरमाते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के वकील साहब है कि ये तो हॉस्पिटल में मर गए थे बीमार थे असन साहब ये तो फिर मजाक है ना कि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हैं तोहन अदालत के मृतकब देखें बात सुने ये तो इस मुल्क की पूरी तारीख का एक एक लम्हा एक एक दिन इस बात का गवाह है कि एक ख़ास जो एलिमेंट है हमारे यहाँ उनके अंदर एक ख़ास तरह की एरोगेंस मौजूद है इसमें तो कोई शक नहीं ये भुट्टो साहब के बारे में एक फौजी ने यह बात कही थी जब यहाँ हड़ताल वगैरह हुई और मुस्तफ़ा खर उस वक्त गवर्नर थे और उन्होंने सिविलियंस को मैदान में उतार दिया पुलिस की स्ट्राइक थी तो कोर कमांडर ने कहा था लेट द बास्ट स्टू इज ओन ब्लड तो एक एरोगेंस तो डेफिनेटली है मैं काकड़ साहब के या मैं अब नाम आ, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं भूल रहा हूँ और इर्शा था साहब के कॉलम में मैंने पढ़ा था अल्लाह उन्हें करीकर रहमत करे कि उन्होंने अपनी छोटी उंगली उठा के यूं कहा इफ आई करई लिटल फिंगर तो यूं से वो हो जाएगा ये एरोगेंस तो बिल्कुल मौजूद है ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रगेत के इंतहाईनाक अंदाज में पे कौन ले गया और उसमें कौन उनके मुआवन थे ये तारीख है आपकी जी। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने धक्के मार के इस मुल्क से निकाला और हथकड़ियां लगा के जहाज में मैं हैरान हूं ये, है। सही, ये... आपने चले आपने बगावत कर दी ये कर लिया मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने को जहाज़ की खिड़की खोल के कोई नीचे छलांग मार देनी थी मैं समझ नहीं आ रही मुझे आज तक ये क्या था ये एक रवैया है ये एक माइंड सेट है और वो तो दैट इज़ देर और वो वक्त के साथ और इसमें मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमारे पॉलिटिशियंस की ये रिजेंटमेंट और ये उन, उनकी ये तवक्को उनकी ये ख्वाहिश कि ये अपनी हदूद में रहें यह बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन उसके लिए आज तक एक भी पॉलिटिशियन इस मुल्क में ऐसा नहीं आया जिसने राइट कोर्स वो है परफॉर्मेंस अब ये हुकूमत है ये बिल्कुल नाम नहा जिस तरह की मस्क शुदा और चेचक जदा जमूरियत है इस मुल्क में उसके नतीजे में आई हुई एक जमहूरी हुकूमत है लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं चार साल हो गए हैं लोगों की चीखें निकल गई हैं इन्हीं की अगर परफॉर्मेंस ये टर्की की मिसाल हालांकि वो सौ ठीक नहीं बनती चूंकि टर्की तो पैदावार फ़ौज की है सो उनका तो क्लेम और तरीके का बनता तो यहाँ तो एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू एक कानूनदान ने ये मुल्क आ, ले के दिया या बनाया या जो भी हुआ जबकि टर्की की मिसाल मुख्तलिफ है लेकिन वहाँ भी फ़ौज को बतदरीज धकेलने के पीछे इस तरह की चलाकियां साजिशें और हरकतें नहीं है उनकी परफॉर्मेंस गवर्नेंस है।, है अगर चार साल में अगर चार साल में इन्होंने इस तरह परफॉर्म किया होता कि लोग इनको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे होते किसी की जरूरत थी किसी ऐसा आई एस पी आर की जरूरत थी कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह का लहजा इस तरह का डिक्शन इस्तेमाल करते वो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम

आसिफ सईद खोसा साहब ने कह रहा हूं सर ये ये फिर ये वाली ओथ जब चीफ़ मिनिस्टर साहब उठाते हैं शहबाज शरीफ और फिर उसके बाद कहते हैं ये कराची से आने वाली कोई साजिश है या इस्लामाबाद से आने वाली कोई साजिश है जबकि सौ से ज़ायद लोग मर जाते हैं एक दवा की वजह से और वो कहते हैं मुझे इश्क है, है चलाने की और उसका उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय सर वो कह रहे हैं साजिश हुई है और मेरे है? सूबे के बाहर से हुई है सर ये कोई औोध की खिलाफ वर्जी नहीं है मतलब या फिर क्या सोचें नहीं देखें आपने बड़ी नाजुक बात छेड़ दी है ये जबान जद आम है ये हर शख्स की जबान पे है ये बात कि दो बोतलों पे अगर सौ मोटो होता है तो इतने सैकड़ों लोग इधर मर गए हैं सौ से ज्यादा बंदा मर गया है और मैंने तो कहा था कि ये गुड गवर्नेंस के स्लॉटर हाउस में जिबा होने वाले जानवर थे ये तो आईडी कार्ड नंबर थे जो जो नादरा के डाटा से डिलीट हो गए खत्म ये ऐसी बात थी जिसपे देखे बात सुने ये बदनसीबी है हमारी अल्लाह ना करे ये हमारे ट्रेवल करे हमारी आइंदा नस्लों तक कि यहां मेमो कितना बड़ा एन आर ओ बिल्कुल होंगे ये भी ये भी इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन यहां बंदों की एक थड़ बंदे मर रहे हैं इस तरह तो मक्खी मच्छर नहीं मरते भाई हमारी कॉर्पोरेशन इस तरह तो मक्खियां नहीं मारती जिस तरह इस बिल्कुल, ना आए। बिल्कुल और आप, आप, देखें, एंकर आप बात करें ना करें ये हर बंदा की जुबान पे ठीक मुझसे पूछ चुके हैं जी इस पे कोई नहीं तो बहुत सी ऐसी हैं जिन पे लोग पूछते हैं

जिसने 600 से 800 लोगों की जाने ले ली थी और अब चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे इश्क है लोगों की सर्विस करने का और मैं ये उहदा अपने पास ही रखूंगा उन्होंने अठारह मिनिस्ट्री संभाली हुई है जिनमें से थोड़ी अभी बांटी हैं लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री अभी भी उनके पास है डेविड ब्लैंकेट इंग्लैंड में इस बात पर रिज़ाइन कर देता है कि उनकी एक नैनी ने उनकी एक आ, आ, सर्वेंट ने उनके फर्स्ट क्लास टिकट पे ट्रैवल कर लिया था जो उनका हक था जिस पे वो खुद ट्रैवल नहीं कर रहे थे उस पे रिज़ाइन करते हैं यहाँ पे 140 सौ आदम मर जाता है और शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कराची से आई हुई दवाएं ना वहाँ की साजिश है या इस्लामाबाद से आई हुई दवाएँ शायद इस्लामाबाद से आए, आए हुए हुकु, हु, है, शायद वहाँ की साजिश है इस पर सकता है या फिर अगर सो मोटो ले भी लिया है, तो इस बात पर सकता है ये किसी वत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है वो की खिलाफ वर्जी वो साफ़ करते हैं जो अदालत में पेश होते हैं और सिविलियन इदारों के नंबर वन इन द वारेंट ऑफ तो प्रेसिडेंट के नंबर थ्री हैं आपके प्रेजिडेंट के बाद जो जि, जिस तरह हैं वो हमने इलेक्ट किए आप देख रहे हैं सियासत मनाए आफ्टर ब्रेक